सात बजे फांसी होनी है, लेकिन इस बीच खबर ये कि निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई है, जिस पर सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। दोषी मुकेश ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने को लेकर ये याचिका लगाई है। डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है। निर्भया केस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद ये भी साफ हो जाएगा कि हाईकोर्ट इस याचिका को लेकर क्या कुछ फैसला सामने रखता है। मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है, कहा है कि फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाए। डेथ वारंट यानी कि फांसी पर रोक लगाने के लिए दोषी मुकेश की तरफ से ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट, सुनवाई अब शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर याचिका लगाई गई और याचिका को लेकर अब सुनवाई भी शुरू हो गई है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और चारों ही दोषियों को फांसी होनी है। इस बीच अलग अलग तरीके से फांसी पर रोक लगाने की कोशिश में अलग अलग दोषियों की तरफ से अलग अलग वक्त पर कोशिश हो रही है और इसी बीच दोषी मुकेश की तरफ से जो याचिका लगाई गई दिल्ली हाईकोर्ट में, उस पर भी सुनवाई शुरू हो गई है। डेथ वारंट पर रोक चाहता है दोषी मुकेश और ऐसे में कह रहा है कि फांसी पर रोक लगे, उम्र कैद में तब्दील हो उनकी सजा। 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त कोर्ट की तरफ से रखा गया डेथ वारंट जारी करते हुए, जब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना है। लेकिन इस बीच पहले क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई और अब डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस बीच राष्ट्रपति से भी दया याचिका लगाकर फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लेकर मांग की गई है याचिका में। और ताजा अपडेट ये कि दिल्ली हाईकोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई है। और आगे बढ़ते हुए